फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए विजिटे ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर और हमारा इंग्लिश का जो सेकंड लेसन प्रोग्रेस में है जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। ठीक है, तो एक थीफ यानी चोर की स्टोरी यहाँ पे लेखक जो रस्किन बॉन्ड है इन्होंने हमें बताई है। ठीक है, यहाँ पे जो चोर है जिसका नाम उन्होंने लेखक ने अपना ही नाम झूठ बताया था अनिल को, जिसके यहाँ वो काम करता है, क्या नाम बताया था, हरी सिंह। ठीक है, और उसको बताया था कि उसको खाना पकाना आता है, फिर भी उसको खाना पकाना नहीं आता था। ठीक है, और ये जो लेखक है जिन्होंने अपना नाम बताया था हरी सिंह, वो काम कर रहे हैं अनिल के यहाँ। ठीक है, और हम देख रहे थे इसके आगे वाला जो स्टोरी है। ठीक है, वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टू वीडियो लेक्चर में हमने इसका दो पेज कंप्लीट किया है। ठीक है, और उसमें देखा था लास्ट में हमने कि ये जो अनिल है वो अपना पैसा अपने दोस्तों पे खर्चा कर लेता है। ठीक है, और पार्टी वगैरह कर लेता है, और ये जो अपना हरी सिंह है जो चोर है उसने देखा कि अनिल ने पैसे मैट्रेस यानी गद्दी के नीचे रखे थे। ठीक है, और आगे का जो स्टोरी है अभी हम शुरू करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में, अनिल वॉज अस्लीप, मतलब अनिल सो गया था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। ठीक है, तो मूनलाइट यानी चांद की रोशनी जो है वो बालकनी से वो अनिल के बेड के ऊपर आ रही थी। ठीक है, आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर सेटअप मतलब बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, जो सिचुएशन थी उसको कंसिडर कर रहा था। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। ठीक है, तो उन्होंने बोला है, ये जो लेखक है उन्होंने बोला है कि अगर मैंने वो पैसे चुरा लिए, आई टुक द मनी, अगर मैंने वो पैसे ले लिए तो मैं जो 10:30 का लखनऊ एक्सप्रेस है उसको कैच करूंगा, पकड़ूंगा और वहां यहां से भाग जाऊंगा, ऐसा लेखक ने यानी हरी सिंह ने सोच लिया। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा था, तो सो रहा था ब्लैंकेट के, ब्लैंकेट अपने ऊपर लेके सो रहा था, और एक ब्लैंकेट में से ही मैं एक होल में से या फिर ब्लैंकेट को थोड़ा ऊपर करके अनिल का जो बेड था उसकी तरफ देख रहा था। ठीक है, कि अनिल ने जो मैट्रेस के नीचे पैसे रखे उसकी तरफ ध्यान रहेगा लेखक का। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, पीसफुली यानी शांततापूर्वक, तो अनिल शांततापूर्वक सो गया था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, मतलब उसका फेस जो था क्लियर था, और अनलाइन मतलब उसको कोई टेंशन नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, इवन मतलब उन्होंने बोला है कि मेरे फेस पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे, मतलब बहुत सारा विचार कर रहा था मैं, इसलिए मेरे चेहरे पे बहुत सारे भाव थे। ठीक है, पर वो जो अनिल है उसके चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं था, उसका क्लियर फेस था। दो माइंड वेयर मोस्टली स्कार्स, मतलब मेरे जो चेहरे पे जो स्कार्स थे वो थोड़ा ज्यादा स्कार्स थे, मतलब ज्यादा अलग लग रहा था, क्योंकि मुझे चोरी का विचार आया था लेखक के मन में, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है उन्होंने, माय हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मतलब लेखक ने बोला है कि मेरे हैंड्स जो है मैट्रेस के नीचे गए। ठीक है, स्लाइड मतलब स्लिप हो गए वहां पे, सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स सर्च करने लग गए। देन आई फाउंड देम, जब मैंने वो नोट्स ढूंढ लिए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मतलब कोई भी साउंड किए बिना मैंने वो पैसे वहां से उठा लिए। ठीक है, अनिल साय इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, आई वॉज स्टारलेड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम। ठीक है, तो अनिल जो है, अनिल को कुछ भी महसूस नहीं करवाया, मतलब अनिल को कुछ भी महसूस हुआ नहीं, ये जो चोरी करके जा रहा है, चोर मतलब अपना हरी सिंह है। ठीक है, तो वो जा रहा है तो अनिल को कुछ महसूस हुआ नहीं। आज ये जो हरी सिंह है वहां से हल्के से वहां से निकल गया, साइड में आ गया, और
उसने क्या किया कि वो जो रूम है वहां से क्विकली वो बाहर निकल गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगन टू रन, जब मैं रोड पे आ गया था, घर से निकल के रोड पे आ गया था, तब मैंने रन करना शुरू किया, जोर से दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मतलब मेरे पैकेट में, मेरे पर्स में क्या है, नोट्स अभी आए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजमास, मतलब मैंने वो जो पर्स था वो पायजमा में रखा था, ठीक है। पायजमा यानी पहनने की चीज होती है, आपको पता है। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, ठीक है। मैं थोड़ा स्टार्टिंग में तो दौड़ रहा था, बाद में मैं स्लो हो गया और धीरे धीरे चलने लग गया, और चलते चलते नोट्स काउंट कर रहा था। 600 रुपीज इन 50s, मतलब 50-50 के नोट्स थे और टोटल रुपीज थे 600 रुपीज, ठीक है। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, ठीक है। तो लेखक ने सोच लिया कि मैं एक या दो हफ्ते तक एक रिच मैन की तरह रहूंगा। किसके जैसा रिच मैन? तो ऑयल रिच अरब जैसा। ऑयल रिच अरब मतलब ऑयल ट्रेड करने वाले, ऑयल का व्यापार करने वाले जो अरब लोग रहते हैं, जो एक दो वीक कैसे गुजारेंगे अपना, उतना वो 600 रुपए में बिता सकता था, ऐसा उसने सोच लिया, ठीक है। वो उस जमाने के पैसे है 600, इसलिए उसने ऐसा कहा, ठीक है। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट बाउट अ टिकट इन माई लाइफ, ठीक है। तो लेखक बोल रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जब मैं स्टेशन में चला गया, ठीक है, तो मैं टिकट काउंटर के पास, टिकट ऑफिस के पास रुका नहीं, ठीक है। क्यों रुका नहीं? क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी टिकट ही नहीं निकाला है, ठीक है, ऐसा उन्होंने ब्रैकेट में बोला है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं डायरेक्टली प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस तभी वहां से निकल रही थी, मैं जहां जब पहुंचा। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरिजेस, मतलब वो जो ट्रेन है वो अभी स्पीड पकड़ रही थी और मैं किसी एक कैरिज में, कैरिज यानी डिब्बा, ट्रेन के डिब्बे में मैं अंदर जा सकता था। बट आई हेजिटेड, पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। फॉर सम रीजन, कुछ कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मतलब ऐसे कुछ कारण से मैं उस ट्रेन के अंदर नहीं गया, क्या कारण है नहीं बता सकता, आई कांट एक्सप्लेन बोला है लेखक ने। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने यहां से भागने का, यहां से जाने का चांस लॉस्ट किया, मतलब मैंने चांस छोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया उन्होंने, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन वहां से चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन वहां से चली गई तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा सुनसान प्लेटफॉर्म हो गया था जहां पे कोई नहीं था, ठीक है, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म बोला इसलिए उन्होंने। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि ये पूरा रात अभी कहां पे मैं बिताऊं, बराबर। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, ठीक है। तो अगर कोई फ्रेंड्स रहता तो ट्रबल करने, ट्रबल ज्यादा होता, ऐसा लेखक को लगता था, इसलिए उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, अभी लेखक बोल रहे कि स्टेशन के आसपास का कोई छोटे से होटल में जाके रहू, इस ए भी मैं सोच नहीं सकता, ऐसा लेखक बोल रहे हैं, ठीक है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब, ठीक है। मैं यहाँ पे, ये जो जहाँ पे वो स्टेशन था उस एरिया में, मैं एक ही पर्सन को जानता हूँ जिसके यहाँ मैंने चोरी की है, यानी अनिल के यहाँ, ठीक है। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ दिया, अभी स्टेशन से बाहर निकल गया लेखक। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, अभी धीरे धीरे बाजार से जाने लग गया, कौन? लेखक, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरा जो थीफ का, चोर का एक छोटा सा करियर था, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने लोगों के फेस जो है, चेहरे जो है, मैंने थोड़े बहुत पढ़ना सीख लिया था कि जब उनका कोई चीज, गुड्स यानी चीज होता है, वस्तु होता है, ठीक है, तो वो अगर वस्तु या चीज कोई गुम हो जाता है किसी का, तो उनका फेस कैसे होता है वो लेखक अब सोच सकता है कि कैसे हो सकता है, ठीक है।
ग्रीडी मैन शो फियर, जो ग्रीडी मैन रहता है, ठीक है, मतलब जिसके पास जो पैसा कमाना है, पैसा बहुत बनाना है, ऐसा कोई आदमी रहेगा तो वो बहुत डर जाता है, फियर हो जाता है। द रिच मैन शो एंगर, अगर कोई बहुत बड़ा अमीर रहता है तो वो एंगर आ जाता है उसके अंदर, मतलब वो बहुत गुस्सा हो जाता है किसी ने इसका चोरी किया है तो। द पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस, पुअर मैन एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, मतलब वो सोच लेते हैं कि ठीक है किसी ने ले लिया मेरा पैसा, ज्यादा टेंशन नहीं लेता हो, ठीक है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, मुझे अनिल का फेस याद था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब थेफ्ट के बारे में अगर वो डिस्कवर्ड करेगा तो वो क्या बोलेगा, विल शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसको खाली सैडनेस होगा, दुख होगा, बराबर, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मनी गया इसके लिए दुख नहीं होगा, तो किसके लिए दुख होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट यानी विश्वास, विश्वास जो है वो चोरी हो गया है, ऐसा उसको लगेगा अनिल को, पैसा चोरी हो गया उससे उसको कुछ लेना देना नहीं रहेगा, ऐसा लेखक का कहना है, ठीक है। लास्ट पेज पे आ जाते हैं हम, क्या लास्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है उन्होंने, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, ठीक है, मैंने अपने आप को मैदान पे महसूस किया कि मैं मैदान तक पहुंच गया हूँ, एंड एक वहां पे जो मैदान के साइड में जो बेंच है वहां पे मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली मतलब बहुत ठंडी, बहुत का या रेनी सीजन रहेगा, बराबर, तो पूरी चिली मतलब बहुत ठंडा मौसम था, नाइट ठंडी थी पूरी। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड लाइट डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मतलब अर्ली नवंबर, मतलब नवंबर की शुरुआत ही थी, और जो वहां पे लाइट जो है, ठीक है, डीजल हो रही थी, मतलब वो झिकमिक कर रही थी, बराबर, मतलब लाइट आती है जाते, आती है जाते, वैसे कुछ कर रही थी, उसके कारण मुझे डिस्कम्फर्ट मतलब कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा था। सून जल्दी ही क्या हुआ, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, मतलब थोड़ी समय में क्या हुआ, तो रेनिंग मतलब बारिश का आना शुरू हो गया, बारिश आ गई, ठीक है, हेविली आ गई, मतलब जोरों से आ गई बारिश। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक इन माई स्किन, मतलब मेरा जो शर्ट एंड पायजामा जो था, बराबर, वो मेरे स्किन को चिपक गया, मतलब बारिश में अगर भीगते हैं तो कपड़े अपने शरीर को जैसे चिपकते हैं वैसे कुछ हुआ। एंड द कोल्ड वाइन ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो कोल्ड वाइन है ठंडी हवा, वो मेरे मुंह के ऊपर ही बारिश को, मतलब जो पानी आता है रेन का, बारिश का, वो पानी मेरे मुंह पे ही आ रहा था डायरेक्टली, क्योंकि वो जो ठंडी हवा थी वो उसको मेरे मुंह पे ही लाने के लिए, मतलब हवा का झोंका पानी को मेरे मुंह के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया उन्होंने, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, ठीक है, तो मैं फिर से बाजार में चला गया, ठीक है, बाजार से बाहर आ गया था, अभी फिर से बाजार में चला गया। सैट डाउन ऑन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर मतलब एक बड़ा सा घड़ी रहता है जिसमें हर एक घंटे आवाज आता है, बराबर, एक घंटा एक बज गए तो एक टर्न करके आवाज आता है, वैसे ही पांच बज गए पांच बार टर्न होगा, वैसे वो बड़ा सा एक घड़ी हो रहता है जो अक्सर चर्च में पाया जाता है, तो वैसे ही कई जो फेमस प्लेसेस है, फेमस सिटीज है, वहां पे एक क्लॉक टावर रहता है, तो वहां पे क्लॉक टावर के नीचे आके अभी ये जो लेखक है वो बैठ गए। द क्लॉक शो मिडनाइट, अभी क्लॉक बता रहा था कि मिडनाइट हो गई, मिडनाइट यानी रात के 12 बज गए। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट्स को महसूस कर रहा था कि मेरे पास अभी नोट्स थे। दे वेयर डंप फ्रॉम द रेन, डंप मतलब भीग गई थी, बराबर, रेन यानी बारिश की वजह से वो भीग गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है उन्होंने, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ठीक है, मैं भूल गया था कि एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट मतलब चोरी करने के जो एक्साइटमेंट थी उसमें मैं सब कुछ भूल गया था। क्या भूल गया था, होल सेंटेंसेस, मतलब पूरे सेंटेंस में जो सीखने वाला था या फिर सीख रहा था वो भी भूल गया, बराबर। आई न्यू Could one day bring me more than a few hundred rupees, ठीक है, तो उसने सोच लिया कि किसी एक दिन मेरे पास कुछ hundreds of rupees आ जाएंगे। It was a simple matter to steal, पर अभी क्या हुआ है कि मैंने तो चोरी किया, स्टील मतलब चोरी करना, and sometimes just as simple to be caught, और अभी कॉट मतलब पकड़ना,
बराबर। अभी ये सब तो छोड़ दिया है, मतलब अभी तो उसको सीखने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि जिसके यहाँ सीख रहा था वो उसके यहाँ ही अभी लेखक ने चोरी किया है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है, तो वो सोच रहा था लेखक कि मैं अभी अनिल के पास जाऊं और अनिल को बताऊं कि मुझे खाली रीड करना है, राइट करना है, रीड और राइट करना है, बराबर लिखना और पढ़ना है, बस इतना ही करना है, और मेरा जो स्टोरी है वो भी मैं बताऊंगा अनिल को। ऐसा वो सोच रहा था, कौन लेखक, मतलब अपना हरी सिंह। आई नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं फिर से वापस आ गया रूम के यहाँ, नर्वस फील कर रहा था, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। मतलब अभी किसी का चीज डिटेक्ट भी नहीं हुआ है, मतलब अगर अनिल को पता भी नहीं है कि उसके यहाँ चोरी हुआ है, और ये जो लेखक है वो वहां पे जाके बोलेगा कि मैंने चोरी किया था, ऐसा वैसा बोलेगा, तो ये चीज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बराबर। आई वो ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे। मैंने डोर को ओपन किया, ठीक है, और डोरवे मतलब वो जो दरवाजे का दरवाजे जहाँ पे होता है, तो डोरवे वहां पे जाके खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, मूनलाइट कैसा था, क्लाउडेड मूनलाइट था, मतलब आकाश में बादल भी छा गए थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी तक सो ही गया था, सो ही रहा था, मतलब नींद में ही था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मतलब वो लेखक अभी अनिल के बेड की तरफ चला गया, बेड का जो जहाँ पे हेड रहता है वहां पे चला गया और अपने नोट्स निकाल लिए। ठीक है, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मतलब मैं ब्रेथ जो है, लेखक लेखक बोल रहा है कि ये जो अनिल है उसके ब्रेथ ब्रेथ यानी उसका सांस लेना, बराबर, वो मैं महसूस कर सकता हूँ, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। आई रिमेन स्टील फॉर अ मिनट, मतलब मैं वहीं पे स्टिल कुछ मिनट तक वहीं पे खड़ा रहा, बराबर। ही देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मुझे मैट्रेस का एज मिला, एज मतलब कड़ा, एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और वहां पे मैंने नोट्स रख दिए जहां से लिए थे मैंने। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट पैराग्राफ पे क्या बोला है उन्होंने कि लेखक जो है दूसरे मॉर्निंग में लेट यानी देरी से उठे, टू फाइंड द अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैंने देखा, ठीक है, कि अनिल ने इसके पहले ही चाय बना ली है, ठीक है, जो रोज चाय कौन बनाता था, लेखक बनाते थे, पर अभी अनिल ने पहले से ही चाय बनाया है। आई स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, मैंने स्ट्रेच किया अपना हाथ उसकी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में, अनिल के हाथों में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, तो लेखक का हार्ट जो है, दिल जो है, हृदय जो है, ठीक है, सैंक हो गया, मतलब वो क्या हो गया, फेल्ट डिप्रेस, उसको डिप्रेस महसूस होने लगा, बराबर, दुख हो रहा था उसको। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, लेखक बोल रहा था कि मैं उसको सब कुछ बताने वाला था, ठीक है, पर उसके पहले ही उसने बोल दिया, उसने एक्सप्लेन किया, क्या बोला उसने, अनिल ने क्या बोला, आई मेड सम मनी यस्टरडे, मतलब मैंने पिछले दिन, मतलब कल के दिन क्या किया है, कुछ पैसा इकट्ठा किया है, पैसा मुझे मिला है, ठीक है, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, मतलब मुझे कल के दिन पैसा मिला है कुछ, अभी मैं तुझे हर दिन पैसा दिया करूंगा, बराबर, यानी सैलरी दिया करूंगा, बराबर, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, मतलब तुझे रेगुलरली पैसा मिलता जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स रोज का मतलब है बिकम वेरी होपफुल, मतलब मैं बहुत आशादायी हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने वो नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, मैंने देखा कि वो अभी भी वेट थे, मतलब गीले पैसे थे, बराबर, जो रात में गीले हो गए थे, लेखक को पता था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, बराबर, रात के रेन की वजह से, बारिश की वजह से वो गीले हो गए थे। नेक्स्ट जो अनिल है वो क्या बोल रहा है, टूडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज क्या करेंगे हम, सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, बराबर। लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, रस्किन बॉन्ड अपने लेखक है वो क्या बोल रहे हैं, ही न्यू, उसको पता था, बराबर, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइजेस शो एनीथिंग, आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे।
ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि उसको तो सब कुछ पता था, जिसको अनिल को, ठीक है, फिर भी उसने उसके लिप्स से, उसके जो ओठों से या फिर उसके आंखों से कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसको सब कुछ पता है, वो दिखाना नहीं चाह रहा होगा अनिल, बराबर। और अनिल ने बोला, सॉरी, अनिल ने एक अनिल का जो मोस्ट अपीलिंग स्माइल है, वो लेखक के सामने वो हंसा, स्माइल दिया, मुस्कुरा लिया, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। दोनों ने एक दूसरे के सामने स्माइल किया, मुस्कुरा लिए अपने एक दूसरे को देख के, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट, मतलब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी स्माइल करने के लिए, ठीक है। तो ये था लेसन, लेखक रस्किन बॉन्ड इन्होंने लिखा हुआ लेसन द थीप स्टोरी। आज के वीडियो लेक्चर में, आज का तीसरा वीडियो लेक्चर था ये, और आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये लेसन कंप्लीट किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। आप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके। थैंक यू।